हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का मैं अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ डेली यूज इंग्लिश फ्रेजेस एंड एक्सप्रेशंस। ये इंग्लिश फ्रेजेस और एक्सप्रेशंस का पार्ट टू है। इससे पहले एक और वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ जो डेली यूज़ इंग्लिश फ्रेजेस के ऊपर ही मैंने बनाया है। तो वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ, उससे पहले रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। फर्स्ट फ्रेज है रिंग अ बेल। रिंग अ बेल का मतलब होता है जाना पहचाना सा लगना या सुना सुना सा लगना या फिर परिचित सा लगना या किसी की धुंधली सी याद दिलाना। जब हम किसी का नाम सुनते हैं या किसी की आवाज़ सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ ये पहचानी हुई सी, मैंने पहले कहीं ये सुनी है या ये नाम मैंने कहीं सुना है। तो उस सिचुएशन में ही रिंग अ बेल फ्रेज का यूज़ किया जाता है। तो रिंग अ बेल मीन्स टू साउंड फैमिलियर और टू रिमाइंड यू ऑफ समबडी और समथिंग बट नॉट वेरी क्लियरली। मतलब किसी चीज़ या किसी इंसान की किसी व्यक्ति की याद दिलाना, लेकिन बिल्कुल हल्की सी धुंधली सी याद होना, बिल्कुल क्लियर याद ना होना। मतलब बिल्कुल क्लियरली हमें याद ना होना कि हमने ये नाम या ये आवाज़ हमने कहाँ सुनी थी या किसकी है या किसका नाम है। इसके सिनोनिम वर्ड्स हो सकते हैं रिमाइंड, ब्रिंग बैक और कम टू। और इसके अपोजिट वर्ड्स होते हैं फॉरगेट, मिस, रिगार्ड और गेट ओवर। मतलब कि भूल जाना, इन सारे वर्ड का मतलब होता है भूल जाना। इसका सेंटेंस है द नेम रैंग अ बेल बट आई कुडंट रिमेंबर वेयर आई हैड हर्ड इट बिफोर। नाम सुना सुना सा लगा लेकिन मैं याद नहीं कर सका कि मैंने इसे पहले कहाँ सुना था। नेक्स्ट फ्रेज है ओवर वंस हैड। मतलब कोई बात या कोई चीज़ समझ में ना आ पाना या कोई बात सर के ऊपर से निकल जाना। जैसे कि कोई सब्जेक्ट होता है तो हमारी समझ में नहीं आता है, वो हमारे दिमाग के ऊपर से निकल जाता है, वही इस फ्रेज़ का मतलब होता है। बट ये फ्रेज़ सिर्फ सब्जेक्ट्स के लिए नहीं होता है, और भी कोई भी चीज़ हो या प्रॉब्लम हो जो हमें समझ में नहीं आ रही हो या हमारी समझ से बाहर हो तो हम वहाँ पर इस फ्रेज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो ओवर वंस हैड मीन्स व्हेन समवन और समथिंग इज़ टू डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। मतलब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होना समझने के लिए, मतलब समझने के लिए कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कठिन होना। इसके सिमिलर वर्ड्स होते हैं कॉम्प्लेक्स, बैफलिंग और परप्लेक्सिंग। इसके अपोजिट वर्ड्स होते हैं अंडरस्टैंड और मेक आउट। मतलब समझ पाना या समझ में कोई चीज़ आ जाना। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई डोंट लाइक मैथ्स बिकॉज दिस सब्जेक्ट इज़ ओवर माई हेड। मुझे गणित पसंद नहीं है क्योंकि यह मेरी समझ से बाहर है, मुझे समझ में ही नहीं आती है मैथ, इसलिए मुझे ये पसंद भी नहीं है, मेरे दिमाग के ऊपर से मैथ्स चली जाती है। तो आई डोंट लाइक मैथ्स बिकॉज दिस सब्जेक्ट इज़ ओवर माई हेड। आई होप आपको ओवर माई हेड का मतलब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट फ्रेज है आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। आउट ऑफ दिस वर्ल्ड मतलब बेहतरीन, उत्कृष्ट, असाधारण, उम्दा या शानदार या फिर बढ़िया या बहुत अच्छा। मतलब जब कोई चीज़ इतनी ज़्यादा अच्छी होती है, इतनी बहुत ज़्यादा उम्दा होती है या बहुत ज़्यादा बेहतरीन होती है कि उसका कोई भी कंपैरिजन नहीं होता है, तब वहाँ पर हम आउट ऑफ दिस वर्ल्ड फ्रेज़ का यूज़ करती हैं। तो वी यूज़ दिस फ्रेज़ व्हेन वी आर एम्फसाइजिंग दैट समथिंग इज़ एक्सट्रीमली गुड और इम्प्रेसिव। हम इस फ्रेज़ का यूज़ तब करती हैं जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है या बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाली होती है। इस चीज़ पे हम जोर दे रहे होते हैं कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है या बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाली है। इसके सिनोनिम वर्ड्स हो सकती हैं अमेजिंग, एक्सीलेंट, वंडरफुल और सुपर्ब। और इसके अपोजिट वर्ड्स होती हैं ऑर्डिनरी, इन्फीरियर या इनसिग्निफिकेंट। मतलब साधारण या मामूली। द मूवी वॉज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, इट रियली इम्प्रेस्ड मी। फिल्म शानदार थी, इसने मुझे सच में प्रभावित किया। मतलब मूवी इतनी अच्छी थी कि इससे मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया या इम्प्रेस हो गई। द मूवी वॉज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, इट रियली इम्प्रेस्ड मी। फिल्म बहुत ही ज़्यादा शानदार, बेहतरीन या उम्दा थी,
जिसने मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया। नेक्स्ट है बग। बग का मतलब होता है परेशान करना, तंग करना, चिंता में डालना या चिढ़ाना। तो बग मीन्स टू एनॉय समवन। इसके सिमिलर वर्ड्स होती हैं टीज, एनॉय, बॉदर और हैसल। इन सब वर्ड्स का मतलब होता है परेशान करना, तंग करना, चिंता में डालना या चिढ़ाना। इसके अपोजिट वर्ड्स होती हैं पैंडर, टिकल, प्लीज और ग्रेटिफाई, मतलब खुश करना। आई नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन माई स्टडीज बिकॉज टुमारो इज़ माई एग्ज़ाम, सो प्लीज़ स्टॉप बगिंग मी। मुझे अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाने की ज़रूरत है क्योंकि कल मेरा एग्ज़ाम है, इसलिए कृपया करके मुझे परेशान करना बंद करो। आई नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन माई स्टडीज़ बिकॉज टुमारो इज़ माई एग्ज़ाम, सो प्लीज़ स्टॉप बगिंग मी। नेक्स्ट फ्रेज इज स्लीप ऑन इट। स्लीप ऑन इट का मतलब होता है सोचने में समय लगाना या किसी बारे में अच्छी तरह सोचना, मतलब कि कोई फैसला लेने से पहले उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से सोचने के लिए समय लगाना। जैसे कभी आपको कोई डिसीजन लेना होता है या कोई किसी प्रॉब्लम के बारे में सॉल्यूशन ढूंढना होता है या कुछ भी जिसके बारे में आपको बहुत अच्छी तरह से सोचना समझना होता है, तो उसके लिए आपको टाइम चाहिए होता है सोचने समझने के लिए, विचार करने के लिए। तब वहाँ पर उस सिचुएशन में हम स्लीप ऑन इट फ्रेज का यूज़ करती हैं। तो स्लीप ऑन इट मीन्स टू टेक टाइम टू थिंक अबाउट समथिंग, मतलब किसी बारे में बहुत ज़्यादा अच्छी तरह सोचने समझने के लिए समय लगाना। इसके सिनोनिम वर्ड्स होती हैं थिंक, कंसीडर और लैच ऑन, मतलब सोचना किसी बारे में। इसके एंटोनिम वर्ड्स होती हैं इग्नोर और सेट असाइड, मतलब ध्यान ना देना। I don't think I can decide now. Let me sleep on it and I will tell you my decision tomorrow. मुझे नहीं लगता कि मैं अभी फैसला कर सकता हूँ या अभी फैसला ले सकता हूँ। मुझे सोचने के लिए समय दो और मैं तुम्हें अपना फैसला कल बताऊँगा। मतलब फैसला लेने के लिए मुझे अभी समय चाहिए, मैं सोच समझ कर तुम्हें बाद में बताऊँगा या कल बताऊँगा। I don't think I can decide now. Let me sleep on it and I will tell you my decision tomorrow. Next phrase is grab a bite. Grab a bite का मतलब होता है कुछ खाना, भोजन करना या खाने के लिए कुछ लेना। तो grab a bite means to get something to eat. इसके synonym words हो सकते हैं eat, munch, have dinner और have lunch, consume, डाइन और निबल, मतलब कुछ खाना, जैसे खाना खाना या कुछ स्नैक्स खाना। तो इन सारे वर्ड का मतलब होता है कुछ खाना। आई डोंट हैव मच टाइम सो लेट्स ग्रैब अ क्विक बाइट। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है इसलिए जल्दी से खाना खा लेती हैं या जल्दी से कुछ खा लेती हैं। आई डोंट हैव मच टाइम सो लेट्स ग्रैब अ क्विक बाइट। तो ग्रैब अ बाइट का मतलब होता है कुछ खाना या कुछ खाने के लिए ले लेना। ये फ्रेज बहुत ही इनफॉर्मल है इसलिए हम केवल इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ यूज़ कर सकते हैं, इसे ऑफिस में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट फ्रेज है अप इन आर्म्स। अप इन आर्म्स का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा या नाराज़गी होना या किसी का कड़ा विरोध करना। मतलब कोई चीज़ हमें बिल्कुल भी पसंद ना आना तो उसके लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा या नाराज़गी होना और हमारे द्वारा उसका बहुत ज़्यादा विरोध किया जाना, मतलब बिल्कुल भी उस चीज़ का सपोर्ट ना करना, उसके अगेंस्ट हो जाना। तो अप इन आर्म्स का मतलब होता है टू बी वेरी एंग्री अबाउट समथिंग एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट, मतलब किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा विरोध करना क्योंकि हमें वो चीज़ पसंद नहीं है। इसके सिनोनिम वर्ड्स होती हैं इंडिग्नेंट, फ्यूरियस, आउटरेज और प्रोटेस्ट। इसके अपोजिट वर्ड्स होती है कंटेंट, प्लीज्ड और हैप्पी, मतलब संतुष्ट या खुश। कंटेंट मीन्स संतुष्ट और प्लीज्ड और हैप्पी मतलब खुश। द वर्कर्स वर अप इन आर्म्स ओवर द न्यूज़ दैट द फैक्ट्री वॉज गोइंग टू क्लोज। मजदूर इस खबर से आक्रोश में थे, यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, इस चीज़ का विरोध कर रहे थे कि कारखाना
बंद होने जा रहा था, मतलब फैक्ट्री को बंद किया जा रहा था। इस खबर से मजदूर बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और इसका विरोध कर रहे थे। द वर्कर्स वर अप इन आर्म्स ओवर द न्यूज़ दैट द फैक्ट्री वॉज गोइंग टू क्लोज।